नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। याशी कंसल्टेंसी के कर्म का खामियाजा जनता भुगत रही है, लेकिन जनता का दर्द कोई चौकीदार सुनने को तैयार नहीं है। ये कहना है इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह का। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जनता के दर्द की वास्तविक स्थिति बयान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में याशी कंसल्टेंसी ने लगभग 42,70,000 नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, जिनमें से अधिकतर गलत है। कंपनी तो अपने गलत किए गए कार्य का भुगतान भी ले गई, लेकिन अब भुगत जनता रही है। वास्तविकता ये है कि जनता अपनी प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियां ठीक कराने के लिए ऑब्जेक्शन डालती हैं और कर्मचारी अनेक बार बिना सोचे समझे ऑब्जेक्शन को रद्द कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता लगता कि जनता कितनी मुश्किल से पैसे खर्च करके सीएससी सेंटर से ऑब्जेक्शन डलवाती है। रद्द करने में तो एक मिनट नहीं लगता, लेकिन परेशानी जनता के लिए खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अधिकारियों ने ऐसे अनेक कर्मचारियों को ऑब्जेक्शन ठीक करने का कार्य दे रखा है, जिनको रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी या फर्द इनमें से किसी की भी जानकारी नहीं है और ना ही इन्हें रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द या जमाबंदी पढ़नी आती है। बिना जानकारी और बिना उचित कारण के बहुत बार ऑब्जेक्शन को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आज वो सब चौकीदार कहाँ हैं जो चुनाव के समय में कहते थे मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। प्रॉपर्टी आईडी में तत्काल दुरुस्ती स्कीम के नाम पर जनता से लूटी जा रही है, जो कि तुरंत बंद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां याशी कंसल्टेंसी ने की हैं, जिन्हें दुरुस्त करना सरकार का कर्तव्य है, तो फिर जनता इस काम के लिए क्यों परेशान हो और पैसे भी दे, कितनी अजीब बात है। तत्काल स्कीम को जनता से लूट बताते हुए उन्होंने इसे तुरंत बंद करने की बात की। उन्होंने कहा कि तत्काल स्कीम के कारण ही नगर परिषद कर्मचारी त्रुटियों को कम से कम 3 दिन के बाद ही ठीक करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तत्काल स्कीम में जनता के खून पसीने के 5,000 रुपए सरकार को प्राप्त होते हैं, जो सरकार को वापस पीड़ित व्यक्ति को करने चाहिए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चुनाव के समय मैं भी चौकीदार कहने वाले वो सारे चौकीदार आज समाज से कहाँ गायब हो गए। आज जनता परेशान हो रही है अपनी समस्याओं के लिए। एक नगर परिषद का उदाहरण लेता हूँ। आज मैं प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए जनता की फुटबॉल बनी हुई है और सारे चौकीदार नदारद हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अधिकारी मनमर्जी करते हैं। सरकार ने एक नई स्कीम लागू की है, तत्काल अगर आप प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि को ठीक कराना चाहते हो तो 5,000 रुपये दीजिए सरकार को, तो वो तत्काल रूप से 48 घंटे में आपकी प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कर देगी। मैं जानना चाहता हूँ जनता से, क्या जनता की तकलीफ दूर करना सरकार का कर्तव्य नहीं है? अगर कर्तव्य है तो ये तत्काल योजना क्यों? ये सरकारी लूट है साथी। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि याशी कंसल्टेंसी नाम की कंपनी ने हरियाणा में लगभग 42,71,000 नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई, जिनमें से अधिकतर गलत हैं। आप स्वयं चेक कर लीजिए, दावा नहीं, अधिकतर गलत हैं। कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है। और प्रक्रिया क्या निश्चित की गई कि जिस व्यक्ति की संपत्ति है वो खुद इसमें दुरुस्तीकरण के लिए ऑब्जेक्शन डालेगा। नगर परिषद के कर्मचारी लेवल 1, लेवल 2 करके और कई मामलों में लेवल 3 करके ऑब्जेक्शन को ठीक करेंगे। अब आते हैं प्रक्रिया पर। अम्बाला छावनी नगर परिषद में कई कर्मचारी ऐसे बैठे हैं जिनको रजिस्ट्री, इंतकाल, फर्द, जमाबंदी पढ़नी तक नहीं आती कि इसमें नाम किसका है किसका नहीं है। जब पढ़नी नहीं आती तो वे क्या दुरुस्त करेंगे प्रॉपर्टी आईडी को? मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बिना नाम रजिस्ट्री चेक किए प्रॉपर्टी आईडी में ऑब्जेक्शन रद्द कर दिया गया। कितनी अजीब बात है। ऐसे अनाड़ी लोगों को प्रॉपर्टी दुरुस्तीकरण का काम दे दिया, जिन्हें मालूम ही नहीं इंतकाल और जमाबंदी का मतलब क्या है, जिन्हें मालूम ही नहीं फर्द क्या होती है। जनता भटक रही है। जनता सीएससी सेंटर में जाके 150-150 रुपये देके ऑब्जेक्शन दर्ज करवाती है और कर्मचारी बिना सोचे समझे ऑब्जेक्शन रद्द कर देते हैं। कितनी अजीब बात है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, सचिव, डीएमसी, ये सारे अधिकारियों को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करें
अगर किसी प्रॉपर्टी आईडी में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।